baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's the love life. That's the love life. हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल. कैसे हो आप सभी लोग. सो फ्रेंड्स, आज है डे 43 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज. तो मैं अभी यहाँ पे डेली अपना वार्म वाटर और मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं फेस टू फेस बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी. विहान के स्कूल को लेट हो रहा था, दैट्स वाई. और मैं अपने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी. और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने बना दी थी पूड़ियाँ. पूड़ियाँ जल्दी निकल जाती तो वही मैंने निकाल दिया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था. सो ऐसा जैसा कुछ है. और अभी ले लेते हैं वॉर्म वाटर. मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया है तो देखिए कितना प्यारा कलर आता है. और ये है ना जो लिप बाम है, एक दो फ्रेंड पूछ रहे थे कौन सा लिप बाम है, तो ये लिप बाम है रिनी का लिप बाम है ये. और काफ़ी अच्छा है जो ब्लैक वाला जो आता है ना. आप लिप लाइनर, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कैसे उसको लगाओ जो कि ये कलर आएगा. आप लोग वो ज़रूर चेक करना, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे उस तरीके से लगाना. सो चलिए मैं अपना वॉर्म वाटर ले लेती हूँ एंड देन आप सभी से मिलती हूँ. आज भी मैं ना वॉर्म वाटर ही लूँगी, कॉफ़ी लेमन नहीं लूँगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को जो इचिंग हो रही है ना तो उससे हीट हो रहा है मेरी बॉडी पूरी. कल मेरा इंजेक्शन लगा था और उसके बाद में मैंने मेडिसिन जो खाई थी उससे मुझे काफ़ी रिलीफ है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी थोड़ी इचिंग जैसा हो रही है. तो और भी मेडिसिन उन्होंने, मतलब दो दिन की मेडिसिन दी थी एंड देन उनको उन्होंने बोला था कि एक्जिमा का हम उसके बाद करेंगे मेडिसिन वगैरह. सो मैंने कहा कि कर करा के काम ख़त्म करते. वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल जड़ से चला जाएगा. उनका यार जाए जुए, मेरा तो मतलब काल बन गया है, मतलब कुछ पैर देखने का भी मन नहीं करता खुद के ही यार. मतलब लगता है ना यार हमारे पैर सुंदर हो ये वो, तो यार कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और पिछले 3 साल से मैं ये फेस कर रही हूँ, लगाती हूँ. समर्स आते हैं तो उसमें बिल्कुल नाक के बराबर हो जाता है एंड धीरे धीरे फिर से वो बढ़ने लग जाता है. जैसे ही मानसून आता है, मानसून आता है तो ऐसा फील होता है जैसे पक रहा है. सो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ. तो मैं पी लेती हूँ दूसरा ग्लास भी वार्म वाटर का. कल मेरा व्लॉग भी नहीं जा पाया. देखो मेरे मतलब मैं उसमें थी नहीं कि मैं वीडियो एडिट करूँ. पूरा दिन मतलब मेरे को इचिंग परसों शाम से हुआ है और मेरे को मैं बता नहीं सकती मैंने कैसे वो रात गुजारी है, उसके बाद में कैसे फेस किया है. सो कल एडिट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला. मैंने एडिट कर लिया है, मॉर्निंग में मैं अभी डालूंगी 11 बजे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज या तो 2 ब्लॉग डाल दूँ या फिर कल 2 ब्लॉग डाल दूँ. मे भी शायद कल मैं 2 ब्लॉग डालूँगी जो फ्राइडे को 2 ब्लॉग डालूँगी ताकि मैं रूटीन में आ जाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं ब्लॉग. और बस ऐसा जैसा है. तो चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर में, नाश्ते की प्रिपरेशन कर लेती हूँ. And I know love is like the phases of the moon. And I know. सो फ्रेंड्स, मैंने बनाया नाश्ते में अपने लिए ये साबूदाना और उसके साथ में. सो फ्रेंड्स, अभी हो गया शाम का समय. मैंने ब्रेकफास्ट के बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया. उसके बाद मैंने एक रील बनाई थी क्योंकि आज थोड़ा अच्छा फील कर रही थी और ना मेरी बॉडी मतलब मेरे को ये ऐसा इचिंग वाला. मम्मा ऐसा इचिंग कर रही थी. मम्मा इचिंग कैसे कर रही थी बताओ सबको. मम्मा को ताता हो गई थी हमें. कैसे हो गई थी मम्मा, कैसे कर रही थी मम्मा, कैसे कर रही थी बताओ. सो फ्रेंड्स, कई दिनों के बाद मुझे आज जाकर रिलैक्स हुआ है. हाँ ऐसे ऐसे कर रही थी मम्मा. कुछ आ रही थी ना. अच्छा अच्छा. तो कई दिनों के बाद आज थोड़ा रिलैक्स हुआ मुझे, तब जाके मैंने 2 रील बनाई थी हस्बैंड के साथ. और वो अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, शॉर्ट्स में मैंने डाला है. तो चलिए फ्रेंड्स, और अभी मैं आप सभी से कोई बात नहीं कर पाई. एक्चुअली मैंने
थोड़ा बिजी थी और थोड़ा रिलैक्स भी कर रही थी और थोड़ा ना नींदों में हो रही थी, मैंने कोई काम नहीं किया। ऊपर से मेरी जो हाउस हेल्पर है उसने भी बोला था कि मैं दोपहर में आऊँगी और दोपहर में वो आई नहीं, फिर मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अब अगर इंसान मना कर दे तो आप अपना काम करके अगर आप कोई मतलब मना कर दे इंसान तो आप काम कर लेते हो। अगर आप बिस्तर बैठे रहते हो तो आपको बड़ी उलझन होती रहती है, एक तो काम पड़ा रहता है ऊपर से क्या कहते हैं ये कि आई नहीं और कॉल करिए तो कॉल नहीं उठा रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ये जब ये नहीं था कि नहीं आई एक बार बता सकती थी, वो चीज़ है थोड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं क्या कहते हैं अपना काम फिर मैंने किया, मैंने वेट नहीं किया, फिर मैंने कहा जब आएगी तो मैं वापस कर दूँगी, मैंने इंतजार कराऊँगी ऐसा सोचकर मैंने करा लिया, लेकिन वो फिर भी आई नहीं है अभी तक। कल आती है देखते हैं क्या एक्सक्यूज़ देती है, नया एक्सक्यूज़ ही लेकर आएगी वो, उनका ऐसे ही चलता रहता है। और अभी भी 10-12 दिन की छुट्टी काट कर आई है और फिर से चली गई, तो इरिटेटिंग लगता है यार। तो और ऊपर से यही 10-12 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को ये इचिंग वाला प्रॉब्लम और बुखार और इसको भी बुखार ये सब चल रहा था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। खैर क्या कर सकते हैं, नखरे तो उठाने ही पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने पालक का आटा लगाया है आज, दिखाऊंगी कैसे क्या है। तो ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, मैं मोबाइल दे रहा हूँ, चार्ज नहीं करने दे रहा हूँ। पप्पी दो, आई लव यू। फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं ये लंच में अपने पालक के पराठे, आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम रेसिपी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है नमक और चाट मसाला डाल के दही, और यहाँ पर है पनीर टमाटर प्याज की सब्जी, आप लोग भी खा लीजिए। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का समय और हमारा खाना पीना सब हो गया है। अभी मैं किचन में गई थी तो किचन का भी पूरा समेटा मैं करके आ गई हूँ, और तक्ष गया है अपने पापा के साथ घूमने, थोड़ा वॉक करने, मतलब बाइक से वो घूमता है तो उसी के लिए बिहान स्कूल गया है, वो ट्यूशन गया है सॉरी, स्कूल निकल गया। एक्चुअल में अभी ना उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं FA4 के, तो उसके लिए अभी कल लास्ट पेपर है तो उसके लिए स्कूल गए, वो ट्यूशन गया है। कन्नड़ा का पेपर है तो कन्नड़ा में थोड़ा वीक है बिहान, क्योंकि उसका मतलब लैंग्वेज नहीं आता ना कन्नड़ा, और वो इतना ज़्यादा मतलब हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग को बिल्कुल नहीं आती है तो हम लोग को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी ट्यूशन टीचर को भी बोला है थोड़ा ध्यान देना और ज़्यादा कि ये कर ले अच्छे से पेपर अपना। सो बस यही है, अभी मैं बैठी हूँ और ना थोड़ा मैंने ना कल जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मैंने उनको वीकनेस के लिए बोला था कि मतलब वीकनेस बहुत लगती है, तो मतलब बॉडी का मैं ज़्यादातर डॉक्टरों को ये देखती हूँ, मैं जब वीकनेस का बताती हूँ, मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तक्ष के टाइम, उस टाइम भी मैं डॉक्टर को बोलती थी, उस टाइम भी डॉक्टर मतलब अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो लोग उसके लिए कुछ बताते नहीं थे या कुछ भी करते नहीं थे। और अभी क्या कहते हैं, मैंने इन डॉक्टर को भी बोला तो वो भी मतलब उस चीज़ पर कोई रिएक्ट नहीं करे कि मुझे वीकनेस बहुत लगती है, पता नहीं बॉडी से जज कर लेते हैं तो क्या कहते हैं वीकनेस का क्या है क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे डॉक्टरों की बहुत बुरी लगती है कि आप बॉडी देखकर कि ये प्लस साइज है इसको वीकनेस क्या होगी, और ज़्यादातर होता भी यही है। मैं अगर कहूँ ना किसी से कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है या मेरा कोई ये प्रॉब्लम हो रहा है तो लोगों को लगता है इतनी मोटी बॉडी है इसमें क्या ही वो प्रॉब्लम होगा, ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्शन मिलते हैं लोगों से। सो प्लस साइज़ वालों को तो पता नहीं लोग कैसे ही समझते हैं, उनकी तो तबीयत ना ख़राब होती है या उनको कोई प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को अभी उसका भी गाल ब्लैडर वाला जो वो उसमें जो स्टोन्स थे उसका प्रॉब्लम था, या फिर अभी मेरे को हार्निया वाला प्रॉब्लम है। तो मैं लोगों को बताती हूँ या कुछ भी है ऐसा कुछ होता है तो लोगों को ना मतलब बहुत नॉर्मल लगता है कि अरे इतनी बड़ी बॉडी में क्या ही दर्द पता चलता होगा, पर जो जिस चीज़ से सर्वाइव कर रहा होता है ना तो उसको पता चलता है कि क्या उस पर बीत रही है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसके साथ वो कैसे अपने घर का काम मैनेज कर रहा है या कैसे अपना जो उसने सोच रखा है जो मेरे बॉडी के लिए फ़िलहाल मेरी सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेरा वेट लॉस हो थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ 100 आ जाऊँ उसके बाद मैं सर्जरी के बारे में सोचूँ। तो उस चीज़ को लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब उसमें लेते हैं कि अरे इसको क्या ही प्रॉब्लम होती होगी, अरे इसका क्या ही है, इतनी मोटी चमड़ी है इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ ना बहुत लोगों का जो जजमेंट होता है ना वो बहुत ही गंदा लगता है, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं
जो भाई इंसान तो इंसान ही है ना, जैसे मेरे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं वैसे औरों के भी उतने ही स्ट्रांग और उतने ही उससे काम करते हैं। और जरा मैंने ये बचपन से ही ये चीज़ फील करी है। जैसे मेरे को टाइफॉइड हुआ था, मेरा टाइफॉइड बिगड़ गया था, तो अभी क्या कहते हैं जो रिलेटिव्स वगैरह होते थे उनका यही रिएक्शन, अरे इसको क्या है, इसको तो कुछ नहीं। आप लोगों ने कभी इस तरीके का जजमेंट अपने लिए देखा है? मतलब आप दो दो दिन तीन तीन दिन हो जाते हैं आप खाते नहीं हो, सिर्फ एक माँ होती है जिसको आपकी तकलीफ आपका सब कुछ दिखता है कि हाँ मेरी बच्ची इस अभी कंडीशन में है, मेरी बच्ची ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, या मेरी बच्ची कितनी वीक हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ एक माँ की नज़रें देखती हैं, और बाकी रिलेटिव्स अरे इसको क्या है, इतनी तो मोटी तगड़ी है। तो इसमें तरह का जजमेंट अगर आप प्लस साइज हो या आपने इस तरह का जजमेंट अगर देखा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये मैंने बहुत फेस किया है। और कभी भी बच्चे की मतलब प्लस साइज का ये भी एक ड्रॉबैक है, आपको कभी भी बच्चे की तरह नहीं देखा जाएगा कि आप 5 साल के हो या आप 7 साल के हो या आप 10 साल के हो, या छोटा बच्चा है या आप 15 साल के भी हो तो छोटा बच्चे के ही कंसिडर किया जाता है, जितना मैं देखती हूँ जो औरों के बच्चों में या फिर जो भी है। पर मेरे लिए कभी भी इस तरीके का जजमेंट नहीं हुआ, अरे छोटी बच्ची है, कभी नहीं सुना मैंने अपने लिए। मतलब हमेशा वही टॉर्चर, वही ताने, वही चीज़ें सुनने को मिलती थी। छोटी थी 10 साल से, तब से सुनती आ रही थी, इतनी मोटी भैंस है, शादी नहीं होगी, तेरे को तो कोई चुनेगा भी नहीं, पड़ी रहेगी घर में, और लिप बाम या फिर काजल लगा लो तो कौन से यार से मिलने जा रही है, इस तरीके के स्टेटमेंट एक बहुत क्लोज मतलब ये होता है ना खानदान में, उन्हीं से आपको अपने लिए सुनना हो। हालांकि जो बाहर वाले हैं वो जानते हैं आप कैसे हो, या मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा पापा, वो सब जानते हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात आती है ना, तो वो चीज़ ना मुझे आज दिन तक बहुत अंदर ही अंदर चुभती है। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, आपका पास्ट आपका जैसा होता है। आप मैं ना बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, या मैं बहुत इंट्रोवर्ट रह गई हूँ, मतलब मैं उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पा रही हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं औरों का देखती हूँ तो वो फ्रिक्वेंटली हर चीज़ बोल देते हैं, हर चीज़ मुझे छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। तो ये मैं अपना कोशिश कर रही हूँ चेंज कर पाऊँ, और इतना कुछ मैंने अब कहने को आ जाओ तो सब यही कहेंगे कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव होते हैं, पर जिस तरीके की मेरी लाइफ थी ना, एक तरह से होता है ना टॉक्सिक फैमिली या टॉक्सिक रिलेशन, वो सब चीज़ें मैंने फेस की हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, क्या ही कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरे फेस से शायद लग भी रहा होगा कि मैं कितना वीक और कितना डाउन फील कर रही हूँ इस टाइम। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, विश्राम का समय हो रहा है, अगर रात में मेरा मन हुआ तो मैं एक कप वॉर्म मिल्क ले लूँगी, अदरवाइज़ मेरे को कुछ भी नहीं लेने का मन है। इस ब्लॉग को यहीं पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टैक्स भी आ गया, आई बेटा, मैं जाती हूँ खोलने।